एक शेर है कि रोने की हसरतें हुई जब आंसू नहीं रहे, पर तो कई बार उल्टा भी होता कि हसन दी हसरत होती है पर स्माइल तो बंदा घबरा आ जाता है। कारण बड़े होंगे ने, कई बार तो दंदा की मिस अलाइनमेंट होंगी है, टेढ़े मेढ़े दंद होंगे ने, कई दंद बाहर भी होंगे या बड़े होंगे ने। तो एक ये भी बड़ी वो समस्या कि उस स्माइल नू करेक्ट किया जा सकता है, स्माइल की करेक्शन हो सके। जिस तरह तेरे मैं देख रहा सी कि क्लिनिक का नाम ही स्माइल जी है, जी तो मैनू ए बारे जरूर दसो कि साढ़े किन्ने सारे यार दोस्त इवन बच्चे भी है जिहड़े जिहड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डाउन रहता, पर्सनैलिटी उन्होंने ग्रो नहीं कर पाती कि वह दंद जिहड़े उन्होंने जिहड़े मिस अलाइंड होंगे ने। सो ए बारे तुसीं सानू जरूर दसो, ये रीजनस की ने, ये ट्रीटमेंट के नवे नवे मोडालिटीज क्या तरीके है। जिहड़े बिल्कुल हैगे हो बिल्कुल, बारे भी तुसीं जानना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन सुन के मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये मेरा फोर्टे है, कॉस्मेटिक अच्छा डेंटिस्ट। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट का मतलब ही होता है जिहड़ी तुहाडी स्माइल नूं वधिया करे, स्माइल नूं करेक्ट करे और बहुत सोहना बनावे, है ना। और जिन्नी नैचुरल तरीके नाल स्माइल होएगी उन्नी सोहनी होएगी, जिन्ना मेरे फेस नूं सूट करदी होएगी, मेरे टुथ दा उहदा उन्नी की सोहनी स्माइल आएगी, ठीक है। जिन्नी सिमेट्रिकल स्माइल होएगी, अगर इदां करांगा मैं दोनों पार्ट्स उदा, जिन्नी सिमेट्री सिमेट्री च कोई भी चीज रखी होए, घर दे विच भी तुहाडी तुहाडे मतलब दो गमले पए, अगर इदां उदा पए होए आ तुहानूं नहीं सोहणे लगणगे, अगर प्रॉपर डिस्टेंस दे विच सिमेट्री च रखे आ ते वधिया लगणगे। ये बड़ी सिंपल जी गल है, तो ये चीज़ां मतलब देखण वालियां। नाले इन्हां ने बीजी ने जिहड़ा शेर बोलिया ना पहलां, उही शेर मैं पुछदा जिहड़े जदों भी पेशेंट मेरे कोल स्माइल करेक्शंस लई या स्माइल डिजाइन लई आंदे आ, मेरा पहला क्वेश्चन है हुंदा कि तुहानूं आपदी स्माइल किवें दी लगदी है, यानी हाँ तुसी की स्माइल करन वेले मुंह अपना हाथ धर लैंदे हो, वी रोने की वाली जिहड़ा मैंने शेर बोलिया वी हसना चाहते तां है बट हस पाते नहीं बिकॉज ऑफ, है ना। बिल्कुल ते दूसरी गल भी कॉन्फिडेंस, कि तुहानूं कॉन्फिडेंस आंदा है या कॉन्फिडेंस लो फील करते हो इस वेले। ते ये मेरे कोल कुछ क्वेश्चनर हुंदे ने जिहदे च मैं डिसाइड करदा कि वी मैं इहदी स्माइल डिजाइन करनी भी है कि नहीं करनी, क्योंकि कई बार माइनर करेक्शंस होंगे ने, मैं कई बार पेशेंट्स रिजेक्ट भी करता ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके मैनू लगता है कि इतने लोड नहीं है और किसी ने उन्होंने कुछ कह दिता उदे करके भी वो मतलब उन्होंने माइंड च आ गई गल, अच्छा ठीक है, बट आपको कभी उन्होंने फील नहीं होया उस तो पहला, लेकिन वो हाँ जो किसी ने टोकता तो उन्होंने फील होना शुरू हो गया, हाँ ठीक है। तो इस तरीके नाल कुछ, बट मेजरली केसेस दे विच जदों पेशेंट आंदा है ते कोई दंद उच्चे ने बाहर निकले हुए है जां गैप्स है उन्होंने थ्रू थ्रू, या उन्होंने साइज दे विच फर्क है, कोई दंद वड्डा है कोई छोटा है, सिमेट्री नहीं है, ठीक है, कोई एक पासे नूं है, तो मिस अलाइंड टीथ कह सकते हैं उसनूं, है ना। ते हुण उहदे ट्रीटमेंट मोडैलिटी दे विच मेजरली उसने दो पार्ट्स ने, एक ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स दे विच मतलब असी ब्रेसेस वायर्स ते अलाइनर्स ये उस तरीके दा ट्रीटमेंट करते हैं जिहदे नाल दंद अलाइंड हुंदे आ और चीज़ां नूं असी करैक्ट करते हैं। दूसरा पूरा कॉस्मैटिक डेंटिस्ट्री दा पूरा एक पार्ट है। कॉस्मैटिक डेंटिस्ट्री दे विच की करते हैं असी कि वीनियस, ठीक है, डायस्टमा क्लोजर, डायस्टमा क्लोजर मतलब जिहड़ा गैप होया उसनूं क्लोज किवें करना, उहदे विच एक कंपोजिट मटीरियल्स आंदे ने और मैं कुछ कोशिश करांगा तुहानूं कुछ फोटोग्राफ्स नाल तुहाडे नाल शेयर करांगा और वो तुहाडे नाल वीडियोज़ दे विच शायद वो किसी तरीके नाल आ पाण ते तुहानूं स्माइल करेक्शन, क्योंकि वो मेरा फोर्टे है, यानी कि अगर एक पेशेंट है जो बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है उसनूं असीं हुण अज दी टाइम दे विच एक डिजिटली स्माइल डिजाइन करके पहला ही दिखा सकदे हां कि आ भाजी तुहाडी इदां दी स्माइल कन्वर्ट होके एवें होएगी। अच्छा वाह जी वाह, एंड देन उहदे विच असीं की करते हैं साइज शेप कलर एवरीथिंग वी कैन चेंज, यानी अगर इदां स्माइल हो रही है और असीं मुरले 6 दंदां दी अगर मैं गल करां, इहदा मैं साइज चेंज करना चाहवां वड्डा छोटा वो मैं वीनियस दे नाल कर सकदा, अगर मैं उहदा शेप चेंज करना चाहवां तिखे लगदे है दो ब्रॉड ने एक पतला है उसनूं सारे नूं बराबर कर सकदा, ठीक है, विदाउट ज्यादा उहदे नाल छेड़ाछाड़ी कीते, ओके ये सब तो वड्डी गल है। हाँ जी और अज दी डेट दे विच मेरे को नो प्रेप वीनियर्स भी होंदे, नो प्रेप वीनियर दा मतलब होंदा जिन्हों बहुत ज्यादा दंद नूं छेड़ना नहीं होंदा, बस हल्का जिहा उसनों शेव ऑफ कीता ते उहदा साइज लिया ते वो इमीजिएटली वीनियर्स लगाए ते बिल्कुल करैक्ट हो जाता है। एक अद केस मैं जरूर तुहाडे नाल शेयर करांगा, उसका लिंक वगैरह मैं तुहानूं आ जाएगा ताकि तुसीं उसनों देख पाओ कि किन्ना कुछ ज्यादा उहदे नाल फर्क पैंदा है। टुथ तो ज्वेलरीज बड़ी कॉमन हो गई हैं अजकल, जिवें ब्याह दे सीजन होंदे आ उस तो बाद फिर लोकी ब्लीचिंग कराउंदे आ, दंद चिट्टे कराउणा ब्लीच करना, है ना, दंद वाह नूं वाइट कराउणा, वो भी एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है एक तरीके दा, ठीक है। ते ज्वेलरी लगाती है इत्थे एक ज्वेल लग जांदा है, स्माइल करदे ते एक वो शाइन करदा,
ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੇਵਲ ਔਰ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਰੀਚ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ ਜਵੈਲਰੀ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਮਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਈ ਗੈਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 8-9 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਨੂੰ 1-1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੂਰਲੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਲੁਕਿੰਗ ਗਰਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਦੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਓਕੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਲਏ ਮੇਚੇ ਲਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਕਨੀਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਮੇਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲਸ ਕੱਢੇ ਔਰ ਮਾਡਲਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਮਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਜੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਵਿਜੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਲੈਵਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਗੋ ਅਹੈਡ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡ ਦੈਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਾਈਲਸ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ